So good morning all of you again. Today, after a long time, we are here to show you our new video that is related to the class 7th. And the topic is here, the first lesson of the history, the medieval world. So as you know that this is the video that we are going to do here, that is from class 7th, and it will be very, very helpful for the students, because as you know, now the school is going to open and this is very difficult time to everyone, where we have to do the fight with the corona. And after the corona, when the school is going to open, so again the students are in the same situation where they were in the last year. आज भी वैसे ही है, क्या होगा क्या नहीं होगा पता नहीं, पर ऑनलाइन क्लास तो चलती है, चलेंगी. आपको सफ़र करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि टीचर्स आपके साथ हैं. चलिए ज़्यादा बातें ना करते, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और हम वहाँ पे देखने की कोशिश करेंगे कि इस लेसन के अंदर क्या है. जैसे कि आपको पता है, लेसन है हमारा द मिडिएवल वर्ल्ड, ठीक है, मध्यकालीन विश्व, हिंदी के अंदर अगर हम बात करें. तो सबसे पहले यहाँ पे जो बात आएगी या जो बात होगी, ये बात है आपकी किस चीज़ के लिए, हिस्ट्री. व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ द हिस्ट्री हियर. सबको पता है भाई इतिहास क्या है, जो बीत गया, जो पीछे चला गया, आज कल इतिहास बन जाएगा. सो इन्हीं चीज़ों को, जो बीती हुई चीज़ें हैं, उनको हम पढ़ते हैं, जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, इतिहास कहा जाता है. मीन्स द स्टडी ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड हिस्ट्री. ठीक है, हिस्ट्री आपको समझ में आ गया. आगे चलते, क्योंकि हमारा टॉपिक मेडिएवल वर्ल्ड का है, यानी मेडिएवल हिस्ट्री का है, हम उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, बट थोड़ा सा इंट्रोडक्शन होना जरूरी है. तो हिस्ट्री को हम लोगों ने बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड करा, एंशंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री. ठीक है, एंशंट हिस्ट्री वो हिस्ट्री है जो इससे पहले का पार्ट है, यानी जो शुरुआत से, बिल्कुल शुरुआत, जब इंसान को पता ही नहीं था कि हम भाई क्या है, कैसे रहते हैं, आग की खोज हुई, पहिए की खोज हुई, दे स्टार्टेड टू वियर द क्लॉथ, शिकार करके खाना खाते थे, फिर धीरे धीरे उन्होंने अपना वो थोड़ा बहुत अपग्रेड किया, तो पूरी हिस्ट्री इसमें आती है. फिर उसके बाद आते हैं मेडिएवल हिस्ट्री में. मेडिएवल हिस्ट्री वो टाइम पीरियड था जिसकी शुरुआत 8th सेंचुरी से होती है और 18th सेंचुरी तक चलती है, जहाँ पर सब कुछ सेटल था, हमें पता था भैया हम क्या करना चाहते हैं, हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. सो वी वर नोइंग एवरीथिंग अबाउट सिविलाइजेशन. Till that time, we were civilized and we were having our own identification and kingdom. ठीक है, तो ये medieval period है. Modern period, जब Britishers India में आते हैं, तो उसके बाद का जो भी time frame है, वो modern history के अंदर चला जाता है, जिसको हम आज भी शामिल करते हैं. आज का भी time modern history के अंदर है. तो हम अब आते हैं medieval history पे, या फिर medieval period पे. इसकी शुरुआत 8th सेंचुरी से लेके 18th सेंचुरी तक होती है, जिसका टाइम पीरियड लगभग 1100 सालों का होता है. यानी 8th सेंचुरी से मेडिवल पीरियड का स्टार्टिंग माना जाता है और 18th सेंचुरी तक इसको हम मानते हैं कि भैया यहाँ तक ख़त्म हो गया था. तो लगभग कितना साल आया, 1100 साल, 1100 ईयर्स. फिर थोड़ा और नीचे चलेंगे तो हम पाएंगे क्या, कि इसी मेडिवल हिस्ट्री को या मेडिवल पीरियड को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, लेटर मेडिवल पीरियड और अर्लियर मेडिवल पीरियड. ठीक है, अगर हम अर्लियर मेडिवल पीरियड की बात करते हैं, यानी बिल्कुल शुरुआत, यानी 8th, 9th, 10th सेंचुरी की, तब उस वक्त हमारे देश में कौन कौन से किंग या किंगडम हुआ करते थे, तो पालास के बारे में आप पढ़ोगे, गुजारा प्रतिहारास के बारे में पढ़ोगे, चोलास के बारे में पढ़ोगे, पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ोगे, राजपूत के बारे में पढ़ोगे, ऐसे बहुत सारे किंग्स और किंगडम्स के बारे में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा, जो कि 8th, 9th, 10th, 11th तक हमारे देश पर रूल कर रहे थे. फिर लेटर में आते हैं, तो लेटर मेडिवल पीरियड में आपको कौन पढ़ने के लिए मिलेगा, मुगल्स, टर्क्स, अफगान्स, यानी ये लोग जिन्होंने इंडिया पर अटैक किया, चाहे वो अफगानी हो, चाहे वो टर्किश हो, यानी टर्की के हों, या फिर मुगल्स हो, और फिर इन्होंने इंडिया के अंदर एक बहुत बड़ा अपना एम्पायर इस्टेब्लिश किया. अगर कोई पूछता है कि हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ इंडिया, दैट वाज हिंदू रूलर, इट वाज पृथ्वीराज चौहान, जिनको मोहम्मद सिंह गोरी के साथ लड़ाई में छल से मारा गया, और फिर वहीं से फिर टर्किश इन्वेंशन शुरू हो जाता है, जो कि आप आगे लेसन्स में पढ़ेंगे. आगे चलते हैं,
फिर टॉपिक है मैनी नेम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान का, इंडिया का, भारत का अलग अलग नाम रखा गया है, अलग अलग टाइम पीरियड के अंदर इसको अलग अलग नामों से जाना गया है, जैसे भारतवर्ष, ठीक है, तो भारतवर्ष शुरुआत से कहा जाता था, कई जगहों पे इसको जम्बूद्वीप, ठीक है, जम्बूद्वीप के नाम से भी नोट किया गया था। भारतवर्ष को कहानी वही कालिदास वाली, जहाँ पे शकुंतला के और दुष्यंत के पुत्र भरत थे, उन्हीं के नाम पे भारतवर्ष पड़ा। जम्बूद्वीप एक अलग ही द्वीप हुआ करता था उसके नाम पे। फिर बात करते हैं हिंदुस्तान की, ठीक है, तो हिंदुस्तान नाम जो पढ़ा, ये इंडिया जो था, भारत जो था, सिंधु नदी के किनारे का इलाका पूरा का पूरा पड़ता था, वही सिंधु बाद में हिंदू बना, ठीक है, और हिंदू बाद में फिर इंडस रिवर बना, ठीक है, और उसी इंडस रिवर के नाम पे इसका नाम अंग्रेजों ने इंडिया रख दिया, ठीक है। हिंदुस्तान जो हिंदू कुछ पहाड़ियों की तरफ पड़ता था, बाबर ने इसको नाम हिंदुस्तान रखा, बहुत सारे हिंदू यहाँ पर रहते थे, तो हर किसी के लिए अपने अलग अलग तर्क है हिंदुस्तान के नाम को लेके, अलग कहानियाँ हैं, तो इस मैटर पे नहीं जाने। ज़्यादातर क्वेश्चन यही आता है कि नेम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडियाज नेम, जिसमें आप भारतवर्ष बोल सकते हो, जम्बूद्वीप बोल सकते हो, इंडिया बोल सकते हो, या फिर हिंदुस्तान बोल सकते हो, ठीक है। फिर बात करते हैं मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। अगर हम बात करें मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की, तो यहाँ पे इंडिया के अंदर जो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट हुए वो क्या क्या हुए, तो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट जो हुआ था वो था, तो जो मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पे निकल के आता है वो आता है कमिंग ऑफ मुस्लिम, यानी कि मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर आते हैं और फिर एक मिक्स कल्चर शुरू होता है, चाहे वो ट्रेडिशन का हो, रिलीजन का हो, फिर चेंजेस किए उन्होंने, बहुत सारी चीज़ों के अंदर बदलाव किए। उसके बाद आपका आता है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, तो हिंदुस्तान के अंदर क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो थे अलग अलग तरीके से अलग अलग जगहों से आए थे, पर पहले क्या होता था हिंदुस्तान के अंदर जो किंगडम्स थे आपस में लड़ते रहते थे, झगड़ते रहते थे, दे वर ट्राइंग टू कैप्चर देयर टेरिटरीज एंड एरिया, तो कभी भी स्टेबिलिटी नहीं रही। पर जब मुस्लिम आए, मुगल्स आए, जो कोई आया, स्पेशली मुगल के टाइम पे, एक हिंदुस्तान की अपनी एक अलग पहचान बनी, स्टेबिलिटी रही गवर्नमेंट की, बाबर से लेके औरंगजेब तक काफ़ी लंबा टाइम पीरियड रहा जहाँ पे इंडिया एक स्टेबल, एक इंडिया के शेप में रहा, बल्कि और बढ़ता ही गया, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन का एक वर्ड लिखा हुआ था वहाँ पे, जिसका मतलब था कि ऑन दैट टाइम जब मुगल्स और जब ये मिक्स कल्चर शुरू हुआ हमारे देश में, तो बहुत सारे अलग अलग जगहों से लोग आए और इन्होंने क्या किया, यहाँ पे कुछ ना कुछ ट्रेडिशन कल्चर, चाहे वो डेवलपमेंट की बात हो या ट्रेडिंग की बात हो या प्रोडक्ट्स को इधर उधर करने की बात हो, वो सारी चीज़ें यहाँ पे हुई। लास्ट टॉपिक है इस्लाम स्प्रेड इन इंडिया। ये मुस्लिमों का दौर था, तो उन्होंने इस्लाम को पूरे हिंदुस्तान के अंदर पूरी तरीके से बढ़ाया। तो इस तरीके के टॉपिक्स हैं, आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, यू विल डेफिनेटली गेट इट, ठीक है, थैंक यू। तो चलिए बात करते हैं आगे सोर्सेज, जो तो मीडिएबल वर्ल्ड है उसके जो सोर्सेज हैं वो क्या है, यानी कि हम मीडिएबल वर्ल्ड के बारे में कहां से जान सकते हैं। तो आपको सिंपल सा बात पता है कि भाई जानने के लिए हमारे पास दो तरीके के रिसोर्सेज या सोर्सेज होते हैं, वो होता है आर्कियोलॉजिकल और लिटरेरी रिसोर्स। आर्कियोलॉजिकल रिसोर्सेज या सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जहां पे आप देखते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो कि भाई ऐसा तो वैसा था, जिसमें टेम्पल्स होते हैं, पैलेसेस होते हैं, मॉस्क्यू मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे होते हैं, टॉम्ब होते हैं, वो जो दफनाया जाता है काबू द्वारा कब्र जिसे कहते हैं, टूल्स मिल जाए, कोई वेपन्स मिल जाता है, कोई बिल्डिंग होता है, पॉइंट्स होता है, सिक्के सिक्के, उससे बहुत कुछ पता चलता है। पुराने टाइम के राजा महाराजा किस तरीके के सिक्कों का यूज करते थे, तो इन सब चीजों के बारे में भी बहुत ज्यादा पता चलता है। पॉइंट्स होते बहुत ज्यादा बताते हैं कि कौन से टाइम पीरियड का था, किस समय का था, किस मेटल का बना हुआ था। तो इन चीजों को जब हम खुदाई करते हैं या ढूंढते हैं या पता करते हैं तो हमें ये सारी चीजें मिलती हैं। तो आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस के द्वारा हम इस मीडिएबल वर्ल्ड या मीडिएबल पीरियड के बारे में काफी कुछ जान सकते हैं। फिर अगला है लिटरेरी सोर्स। लिटरेरी जिसे लिखाई पढ़ाई, कोई किताब, कुछ भी मिल सकता है, और उसके अंदर पहला टॉपिक आपका क्रॉनिकल्स। क्रॉनिकल्स क्या होता है, हर दरबार के अंदर राजा लोग जो होते थे अपने दरबार में एक राइटर रखते थे, जिसका काम होता था उस दरबार में जो घटनाएं घटनी उसको लिख के रखे, ठीक है।
कोर्ट के अंदर दरबार में जो क्या हैपनिंग हो रही है, कैसे कैसे बातचीत, तो पूरा वो रिपोर्ट तैयार करता है। तो आज भी हमारे पास बहुत सारे क्रॉनिकल्स है और उन क्रॉनिकल्स के बिहाफ पर तो पता लग पाता है उस टाइम पीरियड में ऐसा होता था, ऐसा होता था। ठीक है, फिर जैसे आप देख सकते हो ये आपका राज त्रिवेणी, तारीख फिरोज शाही, तारीख फरिश्ता, ये सारी की सारी प्यारे क्रॉनिकल्स है, किसी न किसी के द्वारा लिखी गई है। अगला है हमारा ऑटोबायोग्राफी। कुछ राजाओं को बड़ा शौक होता था कि भाई मेरे बारे में आने वाले मेरी पीढ़ियों को पता होना चाहिए, मैं राज कैसे किया, क्या रूल्स लगाए। तो अपनी जीवनी, अपने सोचने का ढंग, कहने का तरीका, राज्य कैसे चलाया जाता है, इन सभी चीजों के बारे में राइटर से लिख पाते थे तो, या कुछ उनके मन में एक बार लिखे जाते थे। तो आज भी बहुत सारी किताबें हैं जिनको पढ़ने से हमें पता लगता है कि उस टाइम पीरियड में कैसे लोग हुआ करते थे, क्या रूल रेगुलेशन था, और भी बहुत कुछ। ठीक है, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी के बारे में। फिर ट्रेवलर, जो ट्रेवलर होते थे, यानी एक राजा दूसरे राजा के पास अपने दूर देश का जाकर देख गया तो बड़ा फेमस हो रहा है, क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, ये सब जाते थे। या फिर कुछ लोग वो जाते थे यहां से थोड़े से, उनका काम होता है घूमना, कभी यहां कभी वहां, कभी वहां कभी वहां, बस घूमते रहते थे और अलग अलग किंगडम में जाते थे, एक साल, दो साल, छह महीने, चार महीने, तीन महीने, जितना टाइम पीरियड उनका चलता था उस जगह को रुकते थे और फिर उसकी डिटेल बनाते थे। दूसरे जगह में जाते थे और अलग मिलता था, मैं यहां से आ रहा हूं, उनको बताते थे। तो ट्रेवलर का काम होता था घूमते रहो, एक जगह की चीजें दूसरे जगह, दूसरे जगह की चीजें तीसरे जगह पहुंचाते थे। और देखो राजा लोग भी अपने कुछ ट्रेवलर इकट्ठा करते थे, बस उनको भेजते थे वहां जाओ देख के आओ, वहां जाओ देख के आओ, वहां जाओ देख के आओ। जैसे आजकल जब देखते हो ना, मोदी जी अभी श्रीलंका के दौरे पे, कभी नेपाल, कभी भूटान, कभी जापान, कभी पाकिस्तान, क्यों आते हैं, वही ट्रेडिशन कल्चर को। इस तरीके से आज मंत्री जाते थे, उसको ट्रेवलर ट्रेवलर से आया करते थे। तो आज भी उनकी यात्रा पर काम ट्रेवलिंग डायरी हमारे पास है और उससे पता चलता है। जैसे आप देख सकते हो अलबरूनी हुआ, इब्न बतूता हुआ, अब्दुल रजाक हुए, पोलो हुआ, निकोलो हुआ, हॉकिंस हुआ, ऐसे बहुत सारे, कोलंबस था, ठीक है, ऐसे बहुत सारे थे, वास्को डी गामा थे, इनकी डिटेल है हमारे पास, जिससे हमें मीडियम टाइम पीरियड के बारे में काफी कुछ पता चलता है, क्या खाते थे, क्या पीते थे, कैसा सोचते थे, स्कूल कैसा था, फाइनेंस कैसा था, इनकी थॉट्स क्या थी, प्रजा कितनी खुश थी, क्या उदास थी, किस तरीके के पेपर यूज करते थे। तो ये सारे डिटेल हमें दो सोर्सेज पता चल जाता है, एक हमारे लिटरेरी सोर्स और दूसरा हमारा है आपको।